So welcome back guys. Now we are going to start the next part of riser design. Riser design के पांच मेथड में आपको पहले ही करा चुका हूँ. That was Keynes law, Chivorinov's law, then after that Keynes method, then modified Keynes method या फिर जिसका दूसरा नाम था Naval Research Laboratory method या फिर shape factor method. Then we have seen modulus method and my dear now we are coming to the next and the last part that is shrinkage volume method. So the next method for riser design is shrinkage volume method. So my dear, यहां पर अगर हम shrinkage volume method की बात कर रहे हैं तो यहां पर दो चीजें basically हमें consider करनी होती है. एक होती है necessary condition और एक होती है sufficient condition. Necessary condition में आपको ये बोला जाता है कि जो volume of riser जो है वो कम से कम तीन गुना जो श्रिंकेज वॉल्यूम है तीन गुना ऑफ श्रिंकेज वॉल्यूम से ज्यादा होगी. अब ये तीन गुना मैंने लिया है, आपको क्वेश्चन में चार गुना भी दिया जा सकता है कि जो वॉल्यूम ऑफ राइजर है दैट शुड बी मोर देन सम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ श्रिंकेज वॉल्यूम. एंड माय डियर ये नंबर मैंने तीन मेंशन किया है, आपको कल को पेपर में चार भी दिया जा सकता है. नहीं दिया जाए कुछ तो आप तीन मान सकते हैं. ये नेसेसरी कंडीशन है, ये तो फॉलो करानी ही करानी है. बट माय डियर एट द सेम टाइम ये फॉलो कराने के बाद जैसे मशीन डिजाइन का एक सिंपल सा प्रिंसिपल मैं आपको याद दिलाता हूँ. जब हम मशीन डिजाइन अपने कॉलेजेस के अंदर पढ़ते हैं रिस्पेक्टिव अपने बीटेक के दौरान तो माय डियर उस समय पर होता ही है कि हम जब मशीन डिजाइन को यूज करते हैं तो हमारे कुछ आंसर्स आ जाते हैं. बट आंसर्स आने के बाद हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते डायरेक्टली, हम एक क्रॉस चेक करते हैं और क्रॉस चेक करके कुछ दी हुई कंडीशंस के साथ जाते हैं और हमें फिर मशीन डिजाइन की जो डेटा बुक होती है उसमें मेंशन होता है कि भाई अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही तो इतना ले लो. कहने का मतलब है कि मशीन डिजाइन में जब हम सोम की इक्वेशन को लगा करके आंसर निकालते हैं तो वो आंसर फुल प्रूफ है कि नहीं उसके लिए हम एक चेक करते हैं और उस चेक में अगर वो रिजल्ट या डिजाइन फेल हो रहा होता है देन वी गो फॉर सम अदर अल्टरनेट. सो माय डियर यहां भी यही है. सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ राइजर को थ्री टाइम्स ऑफ वॉल्यूम श्रिंकेज से ज्यादा रखेंगे और ऐसा करने के बाद हमें ऑब्वियसली बात है राइजर के डायमेंशन आ जाएंगे. बट एट द सेम टाइम माय डियर राइजर का डिजाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर था वो था सॉलिडिफिकेशन टाइम. ये सॉलिडिफाई नहीं होना चाहिए कास्टिंग से पहले और कास्टिंग से पहले अगर सॉलिडिफाई नहीं होना चाहिए तो मैं बोलूंगा दूसरे शब्दों में इसका मॉडुलस कास्टिंग से ज्यादा होना चाहिए. अब माय डियर सोचो ऐसा करके हमने राइजर के डायमेंशन तो निकाल लिए. लेट अस से वी गॉट डायमीटर ऑफ राइजर और हाइट ऑफ राइजर और हमारे पास डायमेंशन आ जाते हैं. पर डायमेंशन आने के बाद ये चेक करना बहुत जरूरी है कि ये बेसिक फिजिबिलिटी कंडीशन को जो राइजर डिजाइन किया उसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं. मतलब मॉडुलस ऑफ राइजर शुड बी मोर देन और इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ कास्टिंग. मतलब वॉल्यूम ऑफ राइजर को थ्री टाइम वॉल्यूम ऑफ श्रिंकेज, वैसे मैंने थ्री टाइम मोर देन इक्वल्स टू लिखा है, अदरवाइज वी टेक जनरली इक्वल्स टू, तो वो आपको तीन गुना या चार गुना कुछ भी देगा जिससे आपके पास डीआर और एचआर आ जाएगा. हमारी आप चेक करोगे कि मॉडुलस ऑफ राइजर कास्टिंग से बड़ा है या नहीं. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है इस आंसर के लिए सो माय डियर यही हमारा आंसर होगा. बट अगर बाय चांस इस आंसर से हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही फिर हम इस कंडीशन को ही सुपीरियर मानते हुए इससे वॉल्यूम ऑफ राइजर को निकालेंगे. सो माय डियर कहने का मतलब ये है फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी है. अगर ऐसा करके ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो दिस इज अवर आंसर. पर अगर ऐसा करके ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता देन दिस कंडीशन विल डिसाइड द फाइनल आंसर. सो माय डियर then we will put equals to modulus of riser should be more than equals to modulus of casting. तो ये necessary condition है, ये sufficient. जब तक ये confirm नहीं करती तब तक हम उस riser design की dimension को final नहीं मान सकते my dear. This is shrinkage volume method. अब shrinkage volume method को use करने के लिए my dear सबसे पहले हम types of riser समझते हैं. दो तरह के risers का study हमें करना है. सबसे पहला जो riser हम पढ़ने जा रहे हैं my dear उसका नाम है top riser. अब अगर हम यहाँ पे टॉप राइजर की बात कर रहे हैं तो टॉप राइजर जब हम बनाते हैं जैसा मैंने कहा था जब हम पैटर्न की बात कर रहे थे तो हम कास्टिंग में किसी भी और पार्ट की बात नहीं कर रहे थे. जब हम माउल्ड की बात कर रहे थे तो हम सिर्फ माउल्ड की ही बात कर रहे थे. गेटिंग सिस्टम बनाया था तो राइजर का कोई जिक्र नहीं था और जब राइजर बना रहे हैं तो कुछ और दिखाई नहीं रहे. सो माय डियर इस तरह के राइजर को टॉप राइजर बोलते हैं. अब पोजीशन टॉप राइजर की कहां होगी, कौन से मटेरियल के लिए, किस तरह के इफेक्ट्स देगी, इसका डिस्कशन माय डियर हम मिसलेनियस में करेंगे. जैसे मैं आपको बताया था वेल्डिंग में भी कुछ पार्ट ऐसा था जिससे पेपर में बहुत रेयरली पूछा जाता है और पूछा भी जाता है तो इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑब्जेक्टिव में आता है या गेट में प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल में आता है, तो उस पार्ट को हम ऑब्वियसली मिसलेनियस में रखेंगे. यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं वो मेन पार्ट है हर पेपर के लिए जो आपके काम आने वाला है. मिसलेनियस वही लोग पढ़े जो थ्योरी क्वेश्चंस में भी फुल प्रूफ चाहते हैं, P&I और साथ में इंजीनियरिंग सर्विसेज तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाना. अदरवाइज माय डियर जो हम यहाँ पर मिसलेनियस से पहले पढ़ेंगे दैट इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ. मैकेनिकल के क्वेश्चन तो उससे ही आपके हो जाएंगे गेट के.
तो आप फिर भी रेफर जरूर करें मिस लिंग्स से, मैं पढ़ा रहा हूं तो ऑब्वियसली इसलिए पढ़ा रहा हूं, बाद में इसलिए रखा, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है। सो भाई अगर हम टॉप राइजर की बात करें तो ये टॉप राइजर है। अब इसकी पोजीशनिंग की बातें जो है वो हम एंड चिल इफेक्ट जो भी वो सब होता है, एंड वॉल इफेक्ट, वो सारी चीजें हम देखेंगे मिसलेनियस में। अभी अगर हम टॉप राइजर की बात करें माय डियर, तो इस राइजर का जो वॉल्यूम है, अगर मेरे को पता है r इज द रेडियस, h इज द हाइट, तो वॉल्यूम ऑफ राइजर हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। एंड माय डियर ये वॉल्यूम ऑफ राइजर होगा। और सरफेस एरिया अगर हम बात करें, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि राइजर सॉलिडिफाई जो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, तो माय डियर इस टॉप राइजर की खास बात ये होती है कि एक ये वाला क्रॉस सेक्शन डेफिनेटली एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में है, उसके बाद ये भी है, पर जो ये वाला सेक्शन है, मतलब इस सिलेंडर के जो तीन क्रॉस सेक्शन बनते हैं, एक ये वाला और एक ये पाई आर, ये सॉरी पाई डी एच, इन तीन में से पहले ऊपर वाला और ये पाई डी एच वाला कर्वेचर पार्ट, ये दोनों तो एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में है, बट माय डियर ये वाला क्रॉस सेक्शन एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में नहीं है, और क्योंकि ये कॉन्टेक्ट में नहीं है तो हम ऐसा मानते हैं कि यहां से कोई हीट लॉस हुआ ही नहीं, तो इसीलिए सरफेस एरिया फॉर हीट लॉस जो हम कंसीडर करेंगे वो इन दो ही सरफेसेस को करेंगे, जिसमें हम लिखेंगे इट इज पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, सो कंसीडर दीस टू। अब मैंने आपसे कहा कि वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच है, तो यहां से अगर आप चाहें तो एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, एच आ जाएगा इट इज वी बाय पाई आर स्क्वायर, और अगर हम इसको पुट कर दें यहां पर सरफेस एरिया में, तो हमारे पास पूरी इक्वेशन आर में आ जाएगी, पाई आर स्क्वायर प्लस दिस इज 2 पाई आर इंटू वी बाई पाई आर स्क्वायर। अब जो भी बात हो रही है वो फॉर ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हो रही है, क्योंकि माय डियर आप जानते हो सरफेस एरिया की जब मैं बात करता हूं, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा फॉर ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, उतने ही ज्यादा हीट लॉस रहेगा, हीट लॉस का रेट रहेगा, और उतने ही कम समय में सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। सो माय डियर अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये आर से आर कट जाएगा, ये पाई से पाई कट जाएगा, और आपके पास आ जाएगा इट इज पाई आर स्क्वायर प्लस 2 वी बाई आर, इस तरीके से चीज आ गई। अब माय डियर अगर हम ऐसा लिख रहे हैं इट इज 2 वी बाई आर, अब मैंने कहा कि अब हम चाहते हैं कि जो हमारा राइजर सॉलिडिफाई हो रहा है वो लेट में हो, मतलब वो ज्यादा समय ले, तो हम चाहते हैं कि सरफेस एरिया जो है वो मिनिमम रहे, कि जितना सरफेस एरिया कम उतना ही ट्रांसफर रेट कम, हीट लॉस रेट कम, और उतना ही ज्यादा समय लगेगा सॉलिडिफिकेशन में। तो सरफेस एरिया को मिनिमम अगर आप करेंगे तो आप लिखेंगे डी ऑफ सरफेस एरिया, ऑब्वियसली फॉर दैट वी आर कंसिडरिंग वॉल्यूम टू बी कॉन्स्टेंट। सो माय डियर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के लिए सरफेस एरिया की बात हो रही है, तो अगर ऐसा है तो वी कॉन्स्टेंट वेरिएबल बचा सिर्फ आर, यू विल बी सेइंग डी ऑफ सरफेस एरिया बाय डी ऑफ आर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर विल बिकम 2 पाई आर प्लस 2 बी इज कॉन्स्टेंट, 1 बाय आर विल बी हैविंग माइनस 1 बाय आर स्क्वायर, तो इस तरीके से आएगा माइनस 1 बाय आर स्क्वायर, क्योंकि ये जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे इस तरीके से आ जाएंगी चीजें। और अब आप जानते हो इसको हम जीरो के बराबर करने वाले हैं, जब जीरो के बराबर करोगे तो 2 पाई आर बराबर 2 वी अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को इधर ले और 2 से 2 कट गया, इट इज पाई आर क्यूब, वॉल्यूम होता है माय डियर पाई आर स्क्वायर एच, तो ऐसा करने से आपको मिल गया एच बराबर आर। सो माय डियर इस कंडीशन के लिए टॉप राइजर जो है वो ऑप्टिमम डिजाइन देगा, और उसके लिए सरफेस एरिया जो है मिनिमम हमने कंसिडर किया है, तो मैक्सिमम टाइम फॉर सॉलिडिफिकेशन लगेगा। सो माय डियर ऑब्वियसली हम यही तो चाहते हैं सॉलिडिफिकेशन टाइम ज्यादा से ज्यादा लगे। अब ज्यादा से ज्यादा की जो लिमिट है उसको हमने अचीव कर लिया, तो जब भी, इसलिए मैंने आपको अब तक जो क्वेश्चन दिखाया उसमें आपने देखा होगा साइड राइजर लिखा होता था तो हाइट बराबर डायमीटर लिखा होता था, टॉप राइजर का भी हमने कोई क्वेश्चन किया नहीं, बट ये टॉप राइजर के लिए ऑप्टिमम डिजाइन कंडीशन है राइजर की, कि हाइट को बराबर रखो रेडियस के, या फिर आप लिख सकते हो हाइट बराबर डायमीटर बाय 2। सो दिस इज द कंडीशन दैट इज ऑप्टिमम कंडीशन, और मैं इसको बोल सकता हूं दिस इज फॉर ऑप्टिमम डिजाइन ऑफ टॉप राइजर। सो टॉप राइजर के लिए ये कंडीशन ऑप्टिमम है, बेस्ट है। तो टॉप राइजर की जब भी डिजाइन की बात होगी, अगर कुछ मेंशन नहीं हो तो आप ले सकते हो एच बराबर डी बाय 2 या एच बराबर आर। माय डियर जैसा कहा मैंने टॉप राइजर के लिए किया, सेम आई एम गोइंग टू रिपीट फॉर साइड राइजर, और उसके बाद फिर मैं इस पर आपको दो तीन क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, कुछ ऑब्जेक्टिव है, कर्वेचर है, तो उससे आपको आइडिया लगेगा असली में क्वेश्चन कैसे करना होता है। और माय डियर इसके साथ आपके राइजर के सारे मेथड्स कंप्लीट हुए, मैं फिर बोल रहा हूँ जो एंड वॉल इफेक्ट्स वगैरह जो होते हैं राइजर में, पोजीशनिंग ऑफ राइजर जो होती है उसको मिसलेनियस में पढ़ने वाले, क्योंकि गेट का पर्पज आपको यहीं से मैकेनिकल का सोल्व हो जाता है, मिसलेनियस रखने का सिर्फ यही है ताकि जो लोग उन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, जो लोग अपने काम को थोड़ा लाइट रखना चाहते हैं, बहुत ज्यादा थ्योरी में नहीं घुसना चाहते, या जिनको ये वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ना, ये लगता है कि सर मैं इतना याद ही नहीं रख पाऊंगा,
तो उन सब के लिए ये बेटर रहेगा कि आप मिसलेनियस से पहले वाला पार्ट बहुत अच्छी कमांड कर लें, क्योंकि 99% चांसेस ये हैं कि इससे बाहर नहीं आएगा, 1% इट्स योर रिस्क, क्योंकि मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, अगर आप याद कर सके तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। हाँ, ये श्योर है कि बहुत रेयर लोग ही उन सब चीज़ों को याद करके जाते हैं, दैट इज फॉर श्योर। तो माय डियर, ये आपको बेसिकली करना है, वो जब आप टेस्ट वेस्ट दोगे तो आपको खुद आइडिया भी लगेगा इस चीज़ का। तो माय डियर, इसके बाद फिर हम राइजर डिजाइन वाला स्टेप को कंप्लीट करने जा रहे हैं, और फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, मेल्ट द मेटल, देन पोरिंग ऑफ मोल्डर मेटल, एंड देन वी गो फॉर अदर्स, एंड माय डियर विद दैट वी आर गोइंग टू सी सम अदर प्रॉपर्टीज आल्सो वन बाय वन। और आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम कास्टिंग का जो कन्वेंशनल प्रोसीजर है उसको कंप्लीट कर ले, फिर नॉन कन्वेंशनल कास्टिंग हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। तो अगले 2 से 3 दिन में कास्टिंग कंप्लीट होने जा रहा है माय डियर, और एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ यू सम ऑफ द स्टूडेंट्स, वेल्डिंग कुछ लोगों का पूरा नहीं हुआ, एक दो लेक्चर बचे हुए हैं, तो उन लोगों के लिए मैं वेल्डिंग के टेस्ट को पोस्टपोन कर रहा हूँ। विल बी हैविंग द टेस्ट ऑफ वेल्डिंग ऑन 1st में, एंड आई विल बी शेयरिंग द क्वेश्चन पेपर ऑन 1st में ड्यूरिंग, मतलब आई कैन से आई विल बी शेयरिंग दैट पेपर आइदर इन द मॉर्निंग और जस्ट अराउंड 1 or 2 o'clock विल बी शेयरिंग, 2 PM यू कैन अज्यूम वी कैन शेयर इट, ठीक है। तो देखते हैं उसके बाद आप टेस्ट देना, और उसके बाद आप चाहें, क्योंकि मैं सॉल्यूशन शेयर स्टार्टिंग में नहीं करूंगा, अगर आप क्वेश्चंस के आंसर्स अगर मुझे टिक करके शेयर कर देंगे तो मैं चेक भी करवा दूंगा टेस्ट, अदरवाइज आई विल बी शेयरिंग द सॉल्यूशन, आप उससे खुद के परफॉर्मेंस को खुद भी देख सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। सो इसी तरीके से अगर पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको एडवांटेज होगा YouTube के लेक्चर्स का। और इसके बाद फिर हम मेटल कास्टिंग में जैसे कंप्लीट होने को है तो वी विल बी हैविंग अ टेस्ट ऑफ कास्टिंग, तब तक हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। और इसके बाद श्रृंकित वॉल्यूम में हमने टॉप राइजर देखा, अब साइड राइजर का केस देखते हैं कि साइड राइजर आएगा तो ये किस तरीके से चीजें वेरी कर जाएंगी। वैसे तो आपको आइडिया लग गया होगा, कल क्वेश्चन में देखा था हमने कि साइड राइजर के लिए हाइट और डायमीटर बराबर हो जाता है, बट स्टिल ये चीज मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ यूजिंग द सेम मेथड वंस अगेन। चलिए देखते हैं। सो माय डियर, लेट अस सी नाउ द सेकंड केस ऑफ साइड राइजर। इफ वी आर टॉकिंग द साइड राइजर, सो माय डियर, जैसा मैंने कहा सिर्फ राइजर ही बनाऊंगा और कुछ नहीं, ये मैंने बना दिया एंड दिस इज साइड राइजर। अब अगर हम साइड राइजर की बात करें माय डियर, तो अब हम जो हीट लॉस के लिए एरियाज को कंसीडर करेंगे उसमें ये भी रहेगा, ये पाई डी एच वाला भी रहेगा और ये भी रहेगा, हाँ इसको हम इग्नोर करेंगे। सो माय डियर, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, तो आपकी बार होगा क्या, वॉल्यूम अब भी वही है जो पहले थी, पाई आर स्क्वायर एच, और यहां से एच अब भी वही है वी बाय पाई आर स्क्वायर, पर इस बार जब आप सरफेस एरिया लिखोगे तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस 2 πr h प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब इस बार हो जाएगा 2 πr² प्लस 2 πr h, एच की वैल्यू पुट कर दोगे तो हो जाएगा 2 πr² प्लस 2 πr इंटू वी बाई पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर में पाई आर से पाई आर कैंसिल, दिस इज 2 πr² प्लस 2 vr। सो माय डियर, नाउ ऑब्वियसली हम सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने जा रहे हैं, डी ऑफ सरफेस एरिया अपॉन डी ऑफ आर इज जीरो, और जैसे ही करेंगे ना माय डियर तो आपको मिलेगा दिस इज 4 πr अगेन माइनस 2 vr² बराबर जीरो। सो माय डियर, यू विल बी हैविंग 4 πr³ बराबर 2 × वॉल्यूम, दिस इज 2, सो दिस इज 2 πr³ एंड वॉल्यूम इज πr² h, तो h बराबर 2 r, h बराबर d। सो माय डियर, दिस इज द ऑप्टिमम कंडीशन, दिस इज द ऑप्टिमम कंडीशन फॉर साइड राइजर, और साइड राइजर में हाइट को अगर आप डायमीटर के बराबर रखेंगे तो ऑब्वियसली यू विल बी हैविंग द मैक्सिमम पॉसिबल सॉलिडिफिकेशन टाइम फॉर द राइजर, या फिर मिनिमम पॉसिबल सरफेस एरिया और सॉलिडिफिकेशन रेट फॉर द, या फिर कूलिंग रेट फॉर द राइजर। सो माय डियर, दोनों राइजर्स के लिए मैंने आपके सामने ऑप्टिमम कंडीशंस को डिराइव किया है। अब इसके बाद मैं आपको इस श्रृंकित वॉल्यूम मेथड को यूज करके क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, एंड यू विल बी वेरी क्लियर कि आपको इसको कैसे यूज करना है। इससे पहले सिर्फ कन्वेंशन आते थे, अभी रिसेंटली में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आए हैं, P&I में भी आए हैं, मैकेनिकल में भी आए हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा कुछ क्वेश्चंस। एंड माय डियर, लेट अस डिस्कस इसके आगे किस तरीके से करेंगे हम डिजाइन, और वो डिस्कस होने के बाद फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चलिए देखते हैं आगे। सो गाइस, लेट अस डिस्कस नाउ 2 questions। सबसे पहले सिलिंड्रिकल राइजर फॉर व्हिच हाइट बराबर डायमीटर इज पोजीशन्ड ऑन द टॉप। अब आप सोच रहे होंगे सर ने तो बोला था टॉप राइजर के लिए हाइट बराबर रेडियस होता है, बट माय डियर, ऑप्टिमम कंडीशन में अगर एग्जामिनर कुछ और देता तो यू नीड टू टेक दैट ओनली,
And my dear, height for the casting is 100 mm, diameter for the casting is 200 mm. ये जो दिया है ये casting के लिए दिया है और ये riser के लिए दिया है. Calculate the dimensions of riser using modulus method. You know, my dear, according to modulus method, modulus of riser to the modulus of casting. या modulus of riser is 1.2 times of modulus of casting. ये input करते हैं. Modulus of riser की अगर हम बात करें तो riser के लिए हम बात करेंगे तो volume बटे surface area of riser. And my dear, riser का volume होता है pi by 4. D square H, this is volume. Surface area, अगर हम riser की बात कर रहे हैं, top riser में आप जानते हैं कि हम ये ऊपर वाला top वाला surface area लेते हैं और ये नीचे वाला जो surface area ये वाला consider नहीं करते हैं. तो you'll be writing here pi by 4 D square plus pi DH. So this is how we can write. और आपको height बराबर diameter दिया होगा तो ये हो जाएगा pi by 4 D cube divided by pi by 4 D square plus pi D square. It is going to be pi by 4 d cube divided by pi by 4 plus pi, if you are going to write here, is 5 pi by 4 d square. D by 5 is the answer. So, modulus of riser aa gaya, my dear. Ab dekhte hain modulus of casting. Modulus of casting, my dear, aapko cylindrically diye casting. So, volume of surface area of casting pi by 4 d square h. यहाँ पर हाइट डायमीटर बराबर नहीं है और पाई बाय 4 डी स्क्वायर प्लस पाई बाय 4 डी स्क्वायर प्लस पाई डी एच एंड माय डियर विल बी पुटिंग द वैल्यूज एंड विल बी हैविंग द मॉडुलस ऑफ कास्टिंग. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे मॉडुलस ऑफ कास्टिंग को तो हम जब इसको इक्वेट करेंगे मॉडुलस ऑफ राइजर बराबर 1.2 टाइम मॉडुलस ऑफ कास्टिंग तो हमें यहाँ से जो डायमीटर ऑफ राइजर मिलेगा वो मिलेगा 150 mm. अब डायमीटर राइट आपको बराबर दिया है. इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं. अब माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ए क्यूब एंड अ स्फीयर बोथ मेड अप ऑफ कास्ट आयरन ईच ऑफ वॉल्यूम 1000 cc. मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. इट इज 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स. इसके बाद बोल रहा है वर कास्ट अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस टाइम टेकन फॉर सॉलिडिफिकेशन ऑफ क्यूब इज 4 seconds and you need to answer about the sphere. और हम जानते हैं my dear time required for solidification of sphere to the time required for solidification of cube can be written as k times v by sa का square that is for sphere divided by k into v by sa का square for casting k. So guys, क्योंकि conditions identical है, material same है, तो k से k cancel हो जाएगा. v by sa का square for sphere, v by sa का square for ये जो casting है, casting देखो मुझे लिखना चाहिए basically cube. और अगर हम ऐसा लिख रहे हैं my dear, तो इसको हमने solve किया था पिछले questions में, तो हमारे पास result आए थे 4 pi r square upon l square. इस तरह के results हमारे सामने आए थे a whole square. So we got basically 4 pi r square अपॉन 6L square basically. इस तरह के रिजल्ट हमारे सामने आते हैं. मैं कर चुका हूं ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन. अब बस बात यह है कि अगर हम यहां बात करते हैं स्फीयर का हमें टाइम पूछा है और हमें दिया हुआ है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्यूब जो है वो 4 है. और इफ दिस इज द केस नाउ इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस कि हमें स्फीयर का जो है पूछा हुआ है और हमें क्यूब का दिया हुआ है तो अगर हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं तो हमें R और L के बीच का रिलेशन चाहिए बस. और R और L के बीच का रिलेशन अगर आपको चाहिए तो दोनों की वॉल्यूम बराबर दी हुई है. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज L क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई R क्यूब. यहां से आपके पास रिलेशन आ जाएगा R और L में. अगर हम देखें तो यहां से आप लिख सकते हो R by L is equals to 3 by 4 pi to the power 1/3. एंड माय डियर जब आप इस वैल्यू को पुट कर दोगे तो यहां से जो टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सॉलिडिफिकेशन ऑफ स्फीयर आएगा दैट विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सॉलिडिफिकेशन ऑफ स्फीयर इज 6.23 सेकंड्स. तो फाइनली हमारे पास ये ऐसा आंसर आ जाएगा. सो माय डियर इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं. और जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं अगर आप चाहें तो इस पार्ट पर अगर आपको डाउट है तो मैं आपको ये प्रूफ भी करके दिखा सकता हूँ. हमने देखा भी था पहले जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो वॉल्यूम जो होती है स्फीयर की होती है 4/3 pi r cube, surface area is 4 pi r square divided by अगर हम बात करते हैं इसकी तो l cube by 6l square का square का square. तो इस तरीके से चीजें आ जाएंगी and my dear we can solve it using this and we'll be getting the answer to be 6.23 second.
दिस इज हाउ सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी सॉल्वड. एंड माय डियर ये फिर से चिबोलिनोव्स के ऊपर का क्वेश्चन. अब हम देखेंगे श्रिंकेज वॉल्यूम मेथड पे क्वेश्चन और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेप नंबर 5 6 7 8 की तरफ जो कि हमने आज कंप्लीट करना है पूरा जो कर्वेचर लॉसिक प्रोसेस है. चलिए देखते हैं आगे. चलिए माय डियर तो अब हम एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो अभी हमने श्रिंकेज वॉल्यूम मेथड देखा उसी के रिगार्डिंग. डिटरमिन द डायमेंशन ऑफ टॉप राइजर फॉर कास्टिंग ऑफ एल्युमिनियम क्यूब ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर्स श्रिंकेज वॉल्यूम इज 6.5%. Consider all the sides during solidification. So my dear, अगर हम यहाँ पे dimension एक top riser के निकालने जा रहे हैं तो हम जानते हैं किस तरीके से हमें proceed करना है. तो मैं आपके सामने एक question को solve करके दिखा रहा हूँ कि shrinkage volume method किस तरीके से होता है. ये conventional question है तो conventional question में हम कैसे आगे बढ़ते हैं let us see. सबसे पहले हमने दिखाया कि सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमें दिया हुआ है volume of casting जो दिया है वो obvious सी बात है हो जाएगा a cube that is 15 centimeter का cube. और आपको दिया है कि जो श्रिंकेज वॉल्यूम है दैट इज 6.5% बाय 100 क्रॉस ए क्यूब और 6.5 बाय 100 इनटू 15 क्यूब. अब हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ राइजर जो होता है वो 3 टाइम्स ऑफ श्रिंकेज वॉल्यूम हम लेते हैं. इट इज 3 टाइम्स 6.5 बाय 100 क्रॉस 15 का क्यूब. एंड माय डियर फ्रॉम हियर यू विल बी हैविंग द वॉल्यूम ऑफ राइजर टू बी इक्वल्स टू ये आ जाएगा 658.125 सेंटीमीटर क्यूब. और आपको पता है टॉप राइजर के लिए ऑप्टिमम कंडीशन होती है h बराबर r. तो जो वॉल्यूम लिखना था पाई r स्क्वायर h उसको हम लिखेंगे दैट जो वॉल्यूम में लिखना था राइजर का पाई r स्क्वायर h उसको हम लिख देंगे पाई r स्क्वायर h इज अगेन r इट इज पाई r क्यूब. और जब इसको पाई r क्यूब लिख रहे हैं तो माय डियर जब इसके साथ हम इक्वेट करेंगे 3 क्रॉस 6.5 * 15 का क्यूब डिवाइडेड बाय 100 यू विल बी हैविंग द वैल्यू ऑफ r. एंड यहां से जो माय डियर r हमें मिलेगा that r will comes out to be equals to 5.94 centimeters. अब और मेथड्स में तो हमारा ये आंसर हो जाता था है ना. बट माय डियर यहां पर आप जानते हो मैं चेक करना होता है कि क्या ये डिजाइन बेसिक कंडीशन ऑफ डिजाइन को क्या ये डायमेंशन बेसिक कंडीशन ऑफ डिजाइन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं. मतलब मॉडुलस ऑफ राइजर और मॉडुलस ऑफ कास्टिंग इसमें मॉडुलस ऑफ राइजर मॉडुलस ऑफ कास्टिंग से बड़ा है या नहीं. तो अगर हम इस कंडीशन को पुट करते हैं तो मॉडुलस ऑफ राइजर की अगर हम बात करें तो राइजर के लिए लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ राइजर इज Obviously, आप देख देंगे पाई आर स्क्वायर एच दिस इज वॉल्यूम. और अगर हम बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ राइजर की तो हो जाएगा बेसिकली आप जानते हो इट इज पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच और इट इज गोइंग टू बी मोर देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ कास्टिंग इज वॉल्यूम बटे सरफेस एरिया. तो आप जानते हो ए क्यूब बाय 6 ए स्क्वायर ये हो जाएगा सरफेस एरिया. और इस तरीके से हम कास्टिंग के बारे में बात कर पा रहे हैं. और टॉप राइजर के लिए h बराबर r जब आप पुट करोगे तो यहां से जो r की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी मोर देन इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर. सो व्हाट इट विल बी हैविंग दिस r शुड बी मोर देन इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर. पर आपका आंसर यहां पे यार 5.94 है. अब अगर यहां का आंसर आपका यहां वाले से बड़ा जैसे यहां साथ अगर 9 आया होता तो ये हमारा आंसर हो जाता. बट माय डियर क्योंकि यहां पे हमारा 5.94 जो है वो यहां से कम है मतलब ये आंसर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो हमारा आंसर ये होगा. मतलब मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए था. अगर ये 9 होता तो हमारा आंसर 9 होता. सो माय डियर हम पहले नेसेसरी कंडीशन लगाएंगे और फिर सफिशिएंट. अगर नेसेसरी वाला आंसर सफिशिएंट से ज्यादा तो वही हमारा आंसर है. बट अगर सफिशिएंट वाला ज्यादा है नेसेसरी वाले से देन दैट सफिशिएंट विल बी द आंसर. सो माय डियर दिस इज हाउ यू कैन गो विद दैट क्योंकि वो मिनिमम रेडियस है जिसके लिए राइजर का डिजाइन एज पर द रिक्वायरमेंट होगा. अब इससे ज्यादा आप डेफिनेटली रख सकते हो बट वी विल आंसर दिस ओनली लिमिटिंग कंडीशन. So my dear, this is how such kind of questions are solved. हम ऐसे और भी क्वेश्चन देखेंगे बट पहले जैसा मैंने आपसे कहा थोड़ी थ्योरी और थोड़े न्यूमेरिकल लेकर चलेंगे. एक साथ थ्योरी नहीं एक साथ न्यूमेरिकल नहीं. तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं बाकी बचे हुए स्टेप. स्टेप नंबर 4 यहाँ पर माय डियर राइजर का कंप्लीट हो गया डिजाइन का. अब माय डियर हमारे स्टेप नंबर 5 स्टेप नंबर 6 स्टेप नंबर 7 इन स्टेप्स के ऊपर और फिर बीच में एक न्यूमेरिकल देख लेंगे और इस तरीके से थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन चलता रहेगा. चलिए देखते हैं माय डियर नेक्स्ट स्टेप. सो माय डियर नाउ वी आर कमिंग विद स्टेप नंबर 5. और आप जानते हो स्टेप नंबर 5 क्या है. स्टेप नंबर 5 इज पोर सॉरी नॉट पोर बट मेल्ट द मेटल. मेल्ट द मेटल एंड माय डियर जो मेल्टिंग ऑफ मेटल है ये कुछ स्पेशल तरह की फर्नेसेस में होती है
इट मे बी अंडर कुपोला, कुपोला में हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फर्नेसेज में हो सकती है। तो फर्नेसेज के बारे में हमें नहीं पढ़ना, ये हमारे कोर्स में नहीं है, बट हाँ सर अगर हम कॉलेज की बात करें तो हम फर्नेसेज पढ़ते थे। बेसिकली प्रोडक्शन में उल्टा है, जो हम कॉलेज में पढ़ते थे वो पूरा थ्योरेटिकल होता था, यहाँ थोड़ी थ्योरी और न्यूमेरिकल ज्यादा है। तो टाइप्स ऑफ फर्नेसेज अगर आप हमें पढ़ने की नहीं, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए भी, बट अगर आप चाहते हैं फर्नेसेज पढ़ना वी कैन गो फॉर दैट आफ्टर मिसलेनियस, बट अदरवाइज माय डियर देयर इज नो नीड टू गो। बट इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस, कुपोला एंड ऑल्सो सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फर्नेसेज वी कैन गो विद दैट, दे आर द फर्नेसेज जिसमें हम मोल्टन जिसमें मोल्टन मेटल प्रिपेयर करेंगे या फिर मेटल को मेल्ट करेंगे। सो माय डियर मेल्ट होने के बाद जो स्टेप नंबर 6 है, दैट वाज बेसिकली द पोरिंग ऑफ मोल्टन मेटल, दैट इज पोरिंग ऑफ मोल्टन मेटल। अब आपको याद होगा मैं जब आपको श्रिंकेज अलाउंसेस पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था जो पोरिंग टेम्परेचर ऑफ मोल्टिंग मोल्टन मेटल होता है वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोल्टन मेटल प्लस सम डिग्री ऑफ सुपरहीट होता है। वी प्रोवाइड जनरली कि अगर सुपर हीट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर लेटर से 1535 डिग्री सेल्सियस है जैसे कि स्टील की हम बात कर रहे हैं, तो प्लस 100 से लेके 150 डिग्री सेल्सियस तक एक्स्ट्रा हीट हम देते हैं, एक्स्ट्रा टेम्परेचर रीच करते हैं पोरिंग के लिए। क्यों? क्योंकि माय डियर हम चाहते हैं जब तक मोल्टन मेटल पूरा कैविटी को भर ना दे वो लिक्विड ही स्टेट में रहे। आप जानते हो आपने कूलिंग कर्व देखे, कूलिंग कर्व्स आर नोन एज टेम्परेचर टाइम डायग्राम, इस तरीके की कर्व्स को कूलिंग कर्व्स बोलते हैं। तो अगर आप माय डियर हम बात करते हैं कूलिंग कर्व्स की, पहले हीट किया था फिर ही तो कूल करेंगे, तो हीटिंग कर्व्स कुछ ऐसी बनी थी। अब सोचो माय डियर हम यहां तक हीट कर दें, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर में पूरा मेल्ट कर दिया, लिक्विड बना दिया, अगर आप यहां पे मेल्ट करके स्टॉप कर देते हैं मान लेते हैं, तो आप जैसे ही इसको फर्नेस से लेके आकर के आप कैविटी में मोल्टन मेटल को फिल करोगे, ड्यूरिंग दैट अगर थोड़ा भी सॉलिड थोड़ा सा भी हीट का ट्रांसफर हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां से यहां हो जाएगा और यहां होते ही लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और हम ऐसा नहीं चाहते क्योंकि लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो मोल्टन मेटल की फ्लूडिटी अफेक्ट हो जाएगी, और फ्लूडिटी अफेक्ट होने से होगा क्या कि मोल्टन मेटल जो है हर कैविटी को भर नहीं पाएगी। अगर थोड़ी सी भी सॉलिड हो गई, उसके फ्लो में थोड़ी भी बाधा आई, तो हो सकता है आपकी कास्टिंग जो है कुछ बहुत ही स्पेसिफिक, जैसे मान लो कुछ ऐसी शेप्स की कास्टिंग होती है कई बार, और ऐसी शेप्स में जैसे कुछ क्रिटिकल सेक्शन है, ये क्रिटिकल सेक्शन है, अब अगर मोल्टन मेटल की फ्लूडिटी अफेक्ट हो गई, वो पूरी तरह फ्लूड नहीं रहा, थोड़ा सॉलिडिफिकेशन शुरू हो गया, तो भाई हो सकता है वो यहीं तक भर पाए, उसको पूरा भर ही ना पाए। तो इस तरह के कास्टिंग डिफेक्ट्स जो आते हैं उनको हम बेसिकली मिसरन बोलते हैं। तो इस तरह के डिफेक्ट्स नहीं आए आपकी कास्टिंग में, इसलिए हम पोरिंग टेम्परेचर को थोड़ा ज्यादा रखते हैं, इसके लिए हम डिग्री ऑफ सुपरहीट देते हैं। सो भाई जो पोरिंग टेम्परेचर हम ज्यादा रख रहे हैं 100 से 150 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर से, दैट इज बेसिकली टू मेंटेन द फ्लूडिटी ऑफ मोल्टन मेटल। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एक होता है फ्लूडिटी, एक होता है फ्लोएबिलिटी। फ्लुइडिटी और फ्लोएबिलिटी के अंदर फर्क होता है। फ्लोएबिलिटी जो है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बेसिकली माउल्डिंग सैंड, ये माउल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टी है, एंड माय डियर एट द सेम टाइम फ्लुइडिटी जो है वो मोल्टन मेटल की प्रॉपर्टी है। तो हम चाहते हैं मोल्टन मेटल फ्लूइड स्टेट में मेंटेन रहे ताकि कैसी भी गंदी से गंदी या फिर क्रिटिकल से क्रिटिकल सेक्शन हो उसको ये मोल्टन मेटल भर पाए सॉलिडिफाई होने से पहले। So that is the reason of providing more pouring temperature than that of melting point temperature. मतलब हम कहीं यहाँ तक हीट कर रहे हैं ताकि कूल हो भी तो वो एटलीस्ट लिक्विड स्टेट में रहे, सॉलिड या सॉलिड प्लस लिक्विड स्टेट में नहीं आ जाए। सो माय डियर इस तरह की कर्व मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ एट द टाइम ऑफ श्रिंकेज अलाउंस, द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ कास्टिंग। एंड माय डियर अब अगर हम आगे बात करते हैं कि फ्लूडिटी क्या प्रॉपर्टी, इट इज द एबिलिटी ऑफ फ्लो ऑफ मोल्टन मेटल बिफोर और सॉलिडिफिकेशन होने से पहले ही वो पूरा फ्लो करके भर दे, हमारी इच्छा होती है। तो फ्लूइडिटी के लिए टेस्ट भी होते हैं, जैसे आपने देखा था परमियाबिलिटी के लिए टेस्ट था, तो माय डियर फ्लूइडिटी के लिए जो टेस्ट होते हैं उसको बेसिकली स्पाइरल टेस्ट बोलते हैं। तो माय डियर जो स्पाइरल टेस्ट होते हैं इसमें होता क्या है, इसमें हम एक स्पाइरल कैविटी बनाते हैं, जैसे मैंने कैविटी बना दी इस तरीके से, स्पाइरल कैविटी है इस तरीके से। अब इस स्पाइरल कैविटी की अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा ये कैविटी है तो ऐसे होल होगा इसके अंदर, तो ये एक स्पाइरल कैविटी है लाइक दिस। एंड माय डियर हम क्या करते हैं, मोल्टन मेटल को जिस भी टेम्परेचर पे, पोरिंग टेम्परेचर पे आप पोर करने वाले हो उस टेम्परेचर पे मोल्टन मेटल की हम एंट्री करा देते हैं। अब मोल्टन मेटल इसमें एंट्री करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसमें फ्लो करता जाएगा, पर एट द सेम टाइम साथ साथ वो कूल भी हो रहा है। मान लेते हैं यहां तक पहुंचते वो सॉलिडिफाई हो गया। अब अगर वो यहां तक पहुंचते सॉलिडिफाई हो गया तो ये कितनी लेंथ उसने कवर की सॉलिडिफाई होने से पहले, वो लेंथ हम मेजर कर लेते हैं। अब सॉलिडिफाई होने से पहले वो जितनी ज्यादा लेंथ कवर कर देता है उसकी उतनी ही फ्लूडिटी ज्यादा है। सो माय डियर ये जो टेस्ट है इस टेस्ट को बेसिकली रोड टेस्ट भी बोलते हैं। अब इस टेस्ट को थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए कभी कभी ये जो कैविटी है, यहाँ पर जो कैविटी थी वो कॉन्स्टेंट क्रॉस सेक्शन की थी,
मतलब एटलीस्ट कैविटी का क्रॉस सेक्शन कॉन्स्टेंट था, पर अगर आप इस कॉन्स्टेंट क्रॉस सेक्शन को रिड्यूसिंग क्रॉस सेक्शन में कन्वर्ट कर दो, मतलब शुरू में क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो और बाद में क्रॉस सेक्शन इससे कम होता चला जाए इस तरीके से, तो माय डियर द सेम टेस्ट इज देन नोन एज वी टेस्ट। अब ये वी टेस्ट हो या रोड टेस्ट, दोनों के दोनों ही फ्लूइडिटी के बारे में है कि मोल्टन मेटल फ्लूइड स्टेट में बनी रहे जब तक कि कैविटी पूरी तरीके से भर ना जाए। तो माय डियर टारगेट लेने करके सिर्फ इतना है कि फ्लूइडिटी को मेंटेन करना। क्यों मेंटेन करना? ताकि माय डियर फ्लूइडिटी मेंटेन रहेगी तो माय डियर बेनिफिट ये रहेगा कि आपकी कास्टिंग डिफेक्टिव नहीं होगी। अब आपने कहा कि अगर सर मान लो फ्लूइडिटी मेंटेन नहीं कर पाते तो कास्टिंग में कैसे डिफेक्ट्स आ सकते हैं, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ऐसा कोई क्रिटिकल सेक्शन आपकी कास्टिंग का हिस्सा है तो हो सकता है मोल्टन मेटल उसको पूरा नहीं भर पाए, और अगर वो पूरा नहीं भर पाती है तो इस तरह के डिफेक्ट को मिश्रण बोलते हैं, इट सच काइंड ऑफ डिफेक्ट्स आर नोन एज मिश्रण। और ऐसा नहीं है, इसके जैसे और भी डिफेक्ट हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा आपकी कास्टिंग दो पार्ट्स में है, लेट अस से योर कास्टिंग इज इन टू पार्ट्स, और आपने यहां से भी मोल्टन मेटल दिया, यहां से मोल्टन मेटल दिया, अब यहां से फ्लूइड स्ट्रीम यहां तक पहुंची, यहां से यहां तक पहुंची, दोनों मिल ही नहीं पाए, मिल नहीं पाए तो आपको पता है कास्टिंग डिफेक्टिव हो गई, तो इस तरह के डिफेक्ट को कोल्ड शर्ट बोलते हैं। तो माय डियर जो कोल्ड शर्ट मिश्रण इस तरह के डिफेक्ट्स बहुत ही कॉमन हो जाएंगे अगर आप पोरिंग टेम्परेचर को मेल्टिंग टेम्परेचर के बराबर रखते हैं तो। सो माय डियर इसलिए पोरिंग टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर से ज्यादा रखा जाता है, 100 से 150 डिग्री सेल्सियस, इसको डिग्री ऑफ सुपर हीट भी बोलते हैं। एंड माय डियर एट द सेम टाइम फ्लोएबिलिटी एंड फ्लूडिटी अलग अलग है, फ्लूडिटी के लिए टेस्ट होते हैं स्पायरल टेस्ट, इसके बोलते हैं कैविटी स्पायरल है, अब अगर कैविटी का क्रॉस सेक्शन कॉन्स्टेंट है माय डियर तो इसको रोड टेस्ट बोलेंगे, और अगर ये यूनिफॉर्मली रिड्यूस कर रहा है तो इसको वी टेस्ट बोलेंगे। सो माय डियर दीज आर नोन एज द टेस्ट। हाँ, एक और डाउट किसी ने पूछा था, सर कास्टिंग यील्ड क्या होता है? देखो इसको मैं सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के समय पे डिस्कस करूंगा, पर फिर भी अगर आप जानना चाहते हो तो आपको मैंने बताया था जब हम कास्टिंग बनाते हैं तो उसमें गेटिंग सिस्टम राइजर वो सब इंक्लूड होता है, बट असली में जो कास्टिंग प्रोडक्ट है उसमें गेटिंग सिस्टम राइजर की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट बनने के बाद इन सबको हम हटा देते हैं। तो जो कास्टिंग से हमें जो वॉल्यूम टोटल ऑब्टेन होता है और उसके बाद जो मशीनिंग करके हमारे प्रोडक्ट का वॉल्यूम होता है वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो अगर मैं बोलूं वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग जो हम फाइनली यूज करेंगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग जब उसके अंदर गेटिंग सिस्टम और राइजर लगे हुए हो, तो इस रेशियो को माय डियर बोला जाता है कास्टिंग यील्ड। तो कास्टिंग यील्ड जितनी ज्यादा उतना अच्छा है, मतलब उतना ही आपका गेटिंग सिस्टम और राइजर कम मटेरियल कंज्यूम कर रहा है। ऑब्वियसली बात है उसको मैं बाद में हटा के दोबारा मेल्ट करके यूज ही तो करना है, तो हम चाहेंगे कि ये जितना कम उतना अच्छा है। कौन कम हो? वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग में जो गेटिंग सिस्टम और राइजर है इसका वॉल्यूम जितना कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि हम कास्टिंग यील्ड को हमेशा ज्यादा देखना चाहते हैं। मैंने कहा सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में इसको क्यों बढ़ाऊंगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में माय डियर जो कास्टिंग यील्ड है वो नियरली 100% होती है, क्योंकि वहां गेटिंग सिस्टम और राइजर लगते ही नहीं, तो इसलिए उस पर हम इसका डिस्कशन करने वाले हैं। होप यू गाइस आर गेटिंग दिस थिंग। अगर आपको ऐसे कोई भी डाउट आता है मुझसे पूछें, डेफिनेटली मैं आने वाले सेशंस में आपको बताऊंगा। अगर मैं ग्रुप पे नहीं बता रहा हूँ या आपको व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं कर रहा हूँ, इट मीन्स मैं क्लास में बताने वाला हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सभी को कॉमन ऐसे डाउट आ सकता है, तो फॉर दैट पर्पज आई एम डूइंग दैट। सो माय डियर होप यू आर गेटिंग व्हाट इज फ्लूइडिटी, व्हाट आर द डिफेक्ट्स कमिंग बिकॉज ऑफ फ्लूइडिटी। तो इसके बाद ये हमारे स्टेप नंबर 6 कंप्लीट हो चुके हैं, चलिए देखते हैं आगे।